प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स की इस कक्षा में हम क्रांति कोण पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में जानेंगे। कल हमने उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध स्थापित करना सीखा था। आज हम इसी क्रम में क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन के विषय में जानेंगे। देखिए, क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है। देखिए, जब सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम में अपवर्तन के पश्चात वो अभिलंब से दूर हटने लगती है। अच्छा, सघन माध्यम में जाने वाली किरण जब आपतन बिंदु पर पहुंचती है तो उसका कुछ भाग सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है और शेष भाग जो है वो विरल माध्यम में अपवर्तित हो जाता है। तो अलग अलग आप किरणों को आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं और अपवर्तित किरण वैसे वैसे ही टेढ़ी होती जाएगी, अभिलंब से दूर हटती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा। उस स्थिति में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण कहलाएगा। जैसे मैंने यह लिखा है, देखिए कि जब कोई प्रकाश, ये देखिए तीन हमने चित्र डायग्राम बना रखे हैं, इसमें ये कांच सघन माध्यम है, ये वायु विरल माध्यम है, कांच वायु। देखिए, पहली किरण OA ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है आपकी। तो इसमें ये आपतन कोण I बन रहा है और अपवर्तन कोण R बन रहा है। AB अपवर्तित किरण है, इसका कुछ भाग जो है AC के रूप में वो परावर्तित हो गया सघन माध्यम में। दूसरे चित्र में देखिए, OA ये आपतित किरण है और यहाँ पर AB के रूप में ये 90 अंश कोण पर अपवर्तित हो गई और कुछ भाग AC के रूप में इसमें भी परावर्तित हो गया। और तीसरे चित्र में देखिए, ये आपतित किरण OA और यहाँ पर AB जो है वो किरण खत्म हो गई और सारा का सारा AC के रूप में जो प्रकाश की किरण थी वो परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो सारी जो प्रकाश आया था वो सघन माध्यम में ही वापस लौट गया। इसी घटना को हम पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसको समझाएंगे। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण OA सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में जाती है तो इसका एक अल्प भाग AC दिखाए परावर्तित हो जाता है तथा अधिकांश भाग AB अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित किरण AB अभिलंब से दूर हटती है। इस दशा में अपवर्तन कोण R आपतन कोण I से बड़ा होता है। जाहिर सी बात है, जब विरल माध्यम में जाएगा तो सघन माध्यम से जाने वाली किरण विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हटती जाएगी। अब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ते जाए तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए संगत अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। ये दिखाया दूसरी स्थिति में। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं तथा इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। अतः क्या आएगी परिभाषा इसकी, क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। ये एक परिभाषा आपको निकल के आ गई। अब देखिए, यदि आपतन कोण और बढ़ाएं, हमने आपतन कोण को और बढ़ा दिया और आगे बढ़ा दिया, पहले थोड़ा छोटा था फिर और बड़ा करा फिर और बड़ा कर दिया, तब क्या होता है, कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता और सारा का सारा प्रकाश जो है सघन माध्यम से ही परावर्तित हो जाता है। सारा संपूर्ण प्रकाश जो है सघन माध्यम में ही परावर्तित होकर वापस लौट जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। किसी पृष्ठ के जिस भाग से संपूर्ण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है
वह भाग बहुत चमकदार हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कि किसी कांच के ठोस में कोई बुलबुला वायु का आ जाए, सघन माध्यम बीच में आ जाए, तो वो बुलबुला चमकदार दिखाई देता है। उसका कारण यही है, क्रांतिक कोण के कारण चमकता है वो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, देखिए, पहली शर्त यह है कि प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक नहीं है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। ये दो शर्तें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी हैं। अब अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध है। देखिए, यदि विरल माध्यम को हम एक मान लें और सघन माध्यम को हम दो मान लें तो 2n1 यानी दो माध्यम के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक, दो माध्यम के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर। अब साइन आई कितना है हमारा क्रांतिक कोण के लिए, सी, और साइन जो अपवर्तन कोण है आर कितना, वो 90 अंश है। तो साइन 90 का मान एक होता, तो 2n1 साइन सी बटा एक, या इसको उल्टा कर दें, 1n2 बराबर 1 बटा साइन सी, या ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा 1 बटा साइन सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ANG बराबर कॉस एक्स सी लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहें तो देखिए, ANG इज इक्वल टू कॉस एक्स सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हूँ।